ग्लासेस होती तो और ज्यादा अच्छा नजर आता। अभी आए थे मैं और मम्मा अपने लिए लेने, लेकिन फिर बाकी सबका भी पता चला कि हाँ सबके लिए लेके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मलाका व्लॉग। दिस इज मी मलाका, वेलकम टू एनदर व्लॉग एंड वेलकम टू एनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। तो गाइस, मेरे खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है आज के इस खूबसूरत से प्यारे से दिन के साथ। प्यारा सा खूबसूरत सा दिन जो है ना बाहर निकलने के बाद वो देखिए, क्योंकि हमारे घर जो है बिल्कुल बंद है, जब तक बाहर निकल के ना देखो ना तब तक पता ही नहीं चलता है। तो मेरे खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है, होप्स हो के आपके भी दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। मुझे भी अच्छी अच्छी दुआ में याद रखिएगा। तो अभी के कुछ दिन ऐसे है कि आज है हमें ऑफ, लेकिन फिर भी मैं जो है रेडी वेडी जो है हुई भी हूँ, वो इसलिए क्योंकि मम्मा के साथ जो है ना बाजार भी जाना, और साथ जो है ज्यादातर घर में भी क्योंकि मेरी जो है ना तबीयत खराब रहती है, इसी वजह से जो है ना मैं रेडी वेडी जो है हो चुकी हूँ। वो भी काफी टाइम से मामा कह रही है कि जल्दी से रेडी हो, जल्दी से रेडी हो, जल्दी से रेडी हो, सारे काम सुबह के टाइम टाइम के मुताबिक जो है करके आ जाने चाहिए। और मेरी जो होती है ना नींद पूरी नहीं होती, और मैं टाल टाल के जो रेडी हो रही होती है, साथ मामा की बातें भी सुन रही होती है, लेकिन है जो भी है वो अच्छी के लिए सुनाती है ना। शदीद गर्मी में मैं पंखा बंद करके जो है यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मतलब मेरे पागल होने के ये सारी निशानियाँ जो है ना स्टार्टिंग में ही आ रही हैं। तो अभी बस कुछ टाइम तक निकलने वाला जो है मम्मा के साथ काम करती हूँ। तो मम्मा भी जो है रेडी वेडी जो है हो चुके, तो अब बस जो जल्दी से निकलने वाला काम करती हूँ मैं काम। और ये मेरी मम्मा है, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे, मेरी मम्मा को क्या पसंद है, इमली वाला आलू बुखारे वाला जूस, और उसके लिए जो है ना अभी हम निकले और देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। मम्मा को फॉलो करते हुए, क्योंकि मेरी मम्मा कभी उधर कभी उधर हो रही थी, तो इन्हें फॉलो करते करते रास्ते में गाड़ियाँ ही मुझे नजर आती हैं। फाइनली जो है हम पहुँच आए हैं अपनी मंजिल मुकाम पे। तो वैसा मम्मा के मुताबिक मम्मा को यही अच्छा लगता है, मुझे खुद आज पता चला है। ये क्या मिक्स किया इसमें? आलू बुखारा। ये कालर। अभी आए थे मैं और मम्मा अपने लिए लेने, लेकिन फिर बाकी सबका भी पता चला कि हाँ सबके लिए लेके चले जाते हैं। और ये हो चुके तैयार। तो फाइनली थक हार के इस गर्मी में, शदीद किस्म की गर्मी में जो है थक हार के घर पहुंच चुकी हूँ। अब जल्दी से पहले बाय वगैरह जो है चेंज कर लेती हूँ, इससे मैं सही सलामत वापस ले आई हूँ। अबाय वगैरह जो है फाइनली चेंज कर लिया, और अब ये जो है ये मैं हूँ, और ये है जिसको लेकर आई है मलाइका। तो अब ये पिघल के गर्म हो जाए, बर्फ़ पूरी पिघल के ख़त्म हो जाए, तो इसे बेहतर कि मलाइका से पहले फिनिश कर लेती है। बाहर माशाल्लाह से इतने मजे का मौसम हुआ है। क्या कह रही हो? कि मेरा भाई के अंदर ग्लासेस होती तो और ज्यादा अच्छा नजर आता। मैं भी उड़ाऊंगी, ये देखो ये जैसे उड़ के जा रहे हैं ये। कहती है स्पाइडरमैन की तरह उड़ना शुरू कर दो। मैं जैसे बचपन में कहती थी फिर ना ड्रम करके गई नीचे। तो अभी जो है ना हम गैलरी से इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, क्योंकि छत पे जाने के इस तेज शदीद किस्म की हवा में जाने के काबिल नहीं है। इसको हटाओ तो तब दुनिया थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ के बाहर की नजर आती है। कौन आई है? बानो। बानो आई है। इस हवा के अंधे का अंदेशा यह था कि जैसे ही आती है तो हमारे यहाँ लाइट ही चली जाती है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, आहट वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। क्या करने वाली हो यहाँ पे?
स्पाइडर मैन बनने की कोशिश कर रही हो, तुम नहीं उड़ोगी। तो बूंदे पड़ती है या नहीं पड़ती मेरे छोटे छोटे हाथों पे? फिर भी वो मेरे पास ही आ रही है। बूंदे? ये बारिश आने का संदेशा होता है। अच्छा, थोड़ी सी मेरी उर्दू इंग्लिश अभी वीक है। ठीक है, अभी हम ना बादलों के बीच जाने की कोशिश करते हैं। रुकें, यहीं से कैमरे के थ्रू। ये आई है बारिश। ये अब ये आसमान कितना वो हो गया हमारे यहाँ ना, धूप हो या बारिश हो, इस पर्दे ने यहाँ के इस चीज़ ने ना छुपा के रखा होता है। हाँ, और यही हवा भी लेता है, बारिश भी लेता है, धूप भी लेता है, सब कुछ लेता है। तो गाइस, तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप सो कि मेरा आज का आपको छोटा सा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।